हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया वर्ल्ड ऑफ फिल्ट क्रिएशन विथ शिफ आलिगेग सो अगेन टुडे इज़ वेनसडे एंड आज हमारी सीरीज नो योर कंपनी की सेकेंड कंपनी के बारे में हम बात करेंगे लास्ट वीक हमने बात की थी नेटवर्क 18 की और इस सीरीज़ में मुझे बहुत खुशी है कि जो स्टॉक्स आपने ले रखे हैं या आप लेना चाहते हैं और आप डिलेमा में हैं कि आप ले नहीं ले इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें या ना करें तो उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस सीरीज़ के थ्रू दे पा रही हूँ और आप लोग भी इस सीरीज़ को बहुत प्यार दे रहे हैं फर्स्ट वीडियो को आप सब ने देखा बहुत प्रेस करा सो आई एम हैप्पी सी अंडरस्टैंड आई नो कि आप लोगों को मल्टी बैगर सीरीज़ बहुत पसंद आई थी और आपको उसके थ्रू बहुत जल्दी रिटर्न भी मिल रहे थे लेकिन ये सीरीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कई कुछ सालों के लिए भूल जा रहे हो तो आपको उस कंपनी के बारे में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है आपने अपना पैसा किसे दिया है वो क्या कर रहा है आगे उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है या नहीं है ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है राइट तो ये सीरीज़ भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑल दो आप लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट करके रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मल्टीबैगर सीरीज रीस्टार्ट की जाए तो उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं सेकेंड जो मल्टीबैगर सीरीज़ थी तब भी आप लोग कहते थे कि मैम आप एक दिन पहले रेकमेंडेशन दीजिए मल्टीबैगर सीरीज़ अगर हम लॉन्च करेंगे वापस से री लॉन्च करेंगे तो वी आर थिंकिंग कि वेन्सडे की जगह हम सैटरडे को ये सीरीज़ लॉन्च करें ताकि आपको सैटरडे संडे रिसर्च के लिए मिल जाए एंड देन मंडे को यू वुड बी प्रिपेयर्ड आपको वो स्टॉक लेना है नहीं लेना है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा इसके अलावा नो योर कंपनी में आप किस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं वो हो सकता है कि कोई कंपनी जिसका आपने स्टॉक लिया है और अब आपको नहीं पता उसका क्या करना है या फिर कोई कंपनी जिसका आप स्टॉक लेना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड है वो कोई भी कंपनी हो सकती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए इसके अलावा जब तक हम मल्टीबैगर सीरीज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपको रेकमेंडेशंस मिलती रहे तो आप प्लीज़ मेंबरशिप प्लान व्यू कीजिए बहुत अच्छे मेंबरशिप प्लान्स हैं अभी हम लोग कुछ और नए मेंबरशिप प्लान्स भी लॉन्च करने पे वर्कआउट कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मेंबरशिप प्लान्स जिसमें आपको uh, सारे रेकमेंडेशंस मिल जाएंगे एंड टाइम टू टाइम उस पर अपडेट्स भी मिलेंगे तो so, नीचे जॉइंट बटन प्रेस करके आप मेंबरशिप प्लान व्यू कर सकते हैं उसके अलावा आपको पता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर या ईमेल आईडी छोड़ दीजिए एंड माय टीम वुड गेट बैक टू यू बी इट फॉर मेंबरशिप प्लान्स और बी इट फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज सो लेट स्टार्ट विथ टू डेज वीडियो बिफोर दैट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बेल बटन और सब्सक्राइब दोनों प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर अपने घर के बच्चों को आप एक अमेजिंग किड्स चैनल दिखाना चाहते हैं तो हरीदी स्टाइल शो का लिंक है एक बार चेक जरूर कीजिए सो एज यू ऑल नो आज का हमारा नो योर कंपनी की कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया में एडहेसिवस के लिए मार्केट लीडर है बट एडहेसिव्स के अलावा इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए आने वाले कई स्पेशलिटी केमिकल्स में ये लोग डील करते हैं कई सारे कंस्ट्रक्शन केमिकल एंड इंडस्ट्रियल केमिकल भी ये कंपनी बनाती है तो हम पूरा कंपनी एनालिसिस करेंगे कब कैसे ये कंपनी फाउंड हुई क्या इसके मेजर माइल रहे क्या इसकी करंट पोजीशनिंग है क्या इसके फाइनेशियल्स है क्या अभी इसका वैल्यूएशन है और क्या वो सही है और एट द एंड वी वुड डिस्कस कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस कंपनी को लेके तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग देखिए जो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है वो इन 1959 रे पारिक। मिस्टर बलवंत मिस्टर बलवंत रे कल्याण जी पारिक इज द फुल नेम करंटली इट इज ओन्ड बाय मिस्टर मधुकर पारिक सीईओ ऑफ द कंपनी इज मिस्टर भरतपुरी अगर हम बात करें कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी कंपनी है तो आपको जब मैं इसकी सब्सिडियरीज की लिस्ट बताऊंगी यू वुड बी अमेज ये जनरली हम लोगों को नहीं पता पड़ता कि ये इतनी बड़ी कंपनी है तो इसकी बहुत लंबी सब्सिडियरी लिस्ट है जो इसके इंपॉर्टेंट सब्सिडियरी कंपनीज है उनके नाम मैं आपको बताती हूँ फेविकॉल कंपनी लिमिटेड यस फेविकॉल आप सब ने यूज किया होगा आप सबको ने इसका एड देखा होगा फेविकॉल का जोड़ आ, करके बहुत एड्स आए तो फेविकॉल ऑफकोर्स पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है इसकी एक डेडिकेटेड सब्सिडियरी कंपनी है फेविकॉल कंपनी लिमिटेड इसके अलावा बहुत सारी है पेजल कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजीज सिपाई पॉली प्राइवेट लिमिटेड नीना वॉटर सिस्टम्स नीना परसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड पीडीलाइट यूएसए ईस्ट अफ्रीका मिडिल ईस्ट श्रीलंका इंडोनेशिया इन सब कंट्रीज में दे हैव देयर प्रेजेंस एंड वहाँ के लीगल uh, नॉर्म्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने वहाँ के नाम के साथ में कंपनी इस्टेब्लिश की है जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में हुआ ना अभी मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को हम प्रमोट करेंगे के नाम से अगर इन्होंने कंपनी खोल रखी है और वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रखा है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत सॉलिड एंड रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी है क्योंकि वहाँ की कंट्री कभी भी बैन नहीं सकती। आप अपनी कंट्री में प्रोडक्ट बना रहे हो और एक्सपोर्ट सिर्फ कर रहे हो तो वहाँ की कंट्री कभी भी बैन कर सकती है पर आप उसी कंट्री में जाके जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपकी इस वर्किंग मॉडल की सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि कोई भी कंट्री कोई भी गवर्नमेंट अपनी ही कंट्री में होने वाले प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग को कब जनरली नहीं करती है सिंस इंसेप्शन 1959 फिफ्टी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हैड बीन अ पायनियर इन कंज्यूमर एंड स्पेशलिटी केमिकल्स जो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है ये बहुत ही कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी है ये दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है एक है क्वालिटी एक है आर एंड डी जैसा कि मैंने आपको बताया पीडिलाइट इंडस्ट्रीज एडहेसिवस में मार्केट लीडर है बट इसके अलावा वो डील करती है सीलेंस में वाटर प्रूफिंग सोलूशन में कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में आर्ट एंड क्राफ्ट में इंडस्ट्रियल रेजेंस में पॉलीमर्स में और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और डेली ये प्रोडक्ट्स एड होते जाते हैं इनफैक्ट फैक्ट नाइनटीन ट्वेंटी विच वॉज अ टफ ईयर इसमें भी इन्होंने नाइन न्यू प्रोडक्ट्स एड करे हैं अपनी प्रोडक्ट रेंज में अगर हम मेजर माइलस्टोन्स की बात करें इन ईयर 1959 फिफ्टी नाइन फेविकॉल द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ पीडीलाइट लाइट इंडस्ट्रीज वॉज बॉर्न देन इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री द प्लांट वॉज कमीशन इन नाइनटीन ब्रांड ब्रेंड पी लाइट वॉज अस्टैब्लिश्ड इन 93 थ्री इट वॉज लिस्टेड एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वेलकम्ड पीडीलाइट इन 97 सेवन Favicol makes it to the top 15 in 2000 Mcel comes on board which is again a very famous product in 2007 Dr. fixit was introduced in 2002 Favicol earned first cans award in 2004 it recorded 1000 crore turnover and since then the company is growing at a very high pace companies स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग है और उस स्ट्रांग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ही इनको इतनी अच्छी सेल्स मिलती है इनके थ्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इंडिया में हैं इसके अलावा फाइव स्टेट ऑफ आर्ट टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इसके हैं सिंगापोर में थाईलैंड में ब्राजील में दुबई में एंड यू में इसकी जो कुछ बहुत फेमस प्रोडक्ट्स है मैं नाम बताऊंगी तो आपको क्लिक करेगा लेकिन जैसे ही मैं नाम बोलूंगी आप एक चीज देखिएगा ये मार्केट लीडर प्रोडक्ट्स तो है बट इस प्रोडक्ट कैटेगरी में इस तरह के प्रोडक्ट में अगर नाम सुने तो हमें कोई और प्रोडक्ट क्लिक ही नहीं करेगा कि कौन है इसका कॉम्पिटिटर अगर मुझे ये नहीं लेना लेकिन इस तरीके का प्रोडक्ट लेना है तो मैं क्या लूँ ये बहुत मुश्किल होगा जैसे अगर मैं आपसे कहूँ फेविकॉल फेविस्टिक एमसेल फेविक्विक डॉक्टर फिक्सिट ये प्रोडक्ट्स अगर मैं नेम करूँ तो क्या आपको इसका ऑल्टरनेटिव क्लिक कर रहा है नहीं सो दैट्स वॉट दे आर नॉट ओनली मार्केट लीडर बट दे हैव अ मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग इन देयर प्रोडक्ट कैटेगरी विच इज लाइक अ बिग अचीवमेंट और ऑब्वियसली इसकी वजह से सेल्स इनकी बहुत अच्छी है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की अगर ग्लोबल प्रेजेंस की हम बात करें तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इज प्रेजेंट इन 71 कंट्रीज पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की ग्रॉस सेल्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है सिंस 2014-15 फोर्टीन फिफ्टीन टिल टू थाउजेंड कंटिन्यूसली ग्रॉस सेल्स हैड बीन इंक्रीज फॉर द कंपनी शेयर प्राइस की बात करें शेयर प्राइज भी सिंस टू टिल टू कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करा है पीडेलाइट इंडस्ट्रीज का मतलब कंजेटिवली इसने ग्रोथ दी है अफकोर्स ये डेटा ईयरली बेसिस पर है तो इसलिए जो ईयरली फ्लक्चुएशंस आते हैं दैट इज़ नॉट कैप्चर्ड बट ये भी एक बड़ी बात है कि कॉन्टीन्यूसली टेन ईयर्स तक कंपनी का जो शेयर प्राइस का चार्ट है वो ग्रोथ ही शो कर रहा है इ रिस्पेक्टिव ऑफ़ द रेस और बेयर्स जो मार्केट ने देखे हैं उसके बाद भी अब हम बात करते हैं जो टॉप ब्रांड्स है इस कंपनी की उसके बारे में जिससे आपको कंपनी और ज़्यादा फेमिलियर लगेगी सो फर्स्ट डेफिनेटली इस फेविकॉल डॉक्टर फिक्सिट फेविकॉल एम आर फेविक्विक एम सेल फेविस्टिक हॉबी आइडियाज फेविक्रिल पी डिलाइट इंडस्ट्री सिर्फ प्रोडक्ट्स में ही नहीं डील करता बट कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है फॉर एग्जांपल वाटर प्रूफिंग सल्यूशंस इसके अलावा ओ ई ये दोनों प्रोवाइड करता है अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो एडहेसिवस वुड फिनिशे एंड पेंट्स ऑटोमोटिव टेक्निकल टेक्सटाइल्स एम वुड वर्किंग ये सभी प्रोडक्ट्स में पीडी इंडस्ट्रीज इज डीलिंग अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रेंज की हम बात करें तो ऑर्गेनिक पिगमेंट्स एंड प्रिप्रेशंस टेक्सटाइल एंड पेपर केमिकल इंडस्ट्रियल रेजिन लेदर केमिकल्स इंडस्ट्रियल एडहेसि फुटवेयर एडहेसि इंडस्ट्रियल बॉन्डिंग सल्यूशन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल तो आप देख रहे हो जब आप ये रेंज देखोगे तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आपका चाहे घर बन रहा है चाहे आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है या फिर आपके जो शूज़ आप खरीद रहे हो वो, वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं हर जगह पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन है सो दिस मार्ग इट इज़ लिविंग ऑन द सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शोज इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अब हम एक बार फिनेंशियल्स की तरफ जाते हैं कंपनी के कि क्या फाइनेंशियल्स भी इतने अट्रैक्टिव है जितना कंपनी प्रोफाइल अट्रैक्टिव है सो लेट्स हैवे लुक एट द पी एन एल मैट्रिक्स ऑफ द कंपनी नेट सेल्स अगर हम पिछले पाँच साल की कंपेयर करें तो 2015-16 से लेके तो 2019-20 तो ये कंजटिवली इंक्रीज़ हुई है और 19-20 इट्स 6,290 थाउजेंड विच इज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर बाय 4 परसेंट इबिटा की अगर हम बात करें तो अगेन कंजिवली लास्ट फाइव ईयर्स में इंक्रीज हुआ है द रीजेंट ऑफ नाइनटीन इज वन थाउजेंड एटी फाइव क्रोर दैट इज़ इंक्रीज बाय फोर्टीन पैट की अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वो भी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है 1920 में इट्स 1161 हंड्रेड अर्निंग पर शेयर की हम बात करें वो भी इंक्रीज़ हुई है इन 1920 इट्स 22.8 बुक वैल्यू पर शेयर की हम बात करें वो भी कॉन्सिकटिवली इंक्रीज़ हुई है इट्स 87.9 फॉर 1920 एंड डिविडेंड पर शेयर की हम बात करें तो वो भी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है बैलेंस शीट मैट्रिक्स अगर हम देखें तो नेट करंट एसेट्स जो है कंपनी के में डिविएशन है 15 16 की कंपैरेटिवली 16 17 में इंक्रीज़ हुए फिर 17 18 में डिक्रीज़ हुए फिर 18 19 में इंक्रीज़ हुए फिर 19 20 में डिक्रीज हुए रिजर्व्स की हम बात करें तो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है विच इज़ नाइस मतलब विच इज़ अ प्लस पॉइंट इन फैक्ट रिटर्न ऑन एवरेज नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो अगेन द डेटा इज समवेयर इट्स इंक्रीजिंग समवेयर इट्स डिक्रीजिंग रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की हम बात करें तो वो डिक्रीज हुआ है एंड इट्स ऑलमोस्ट सेम फॉर 1819 एंड 1920. अगर हम देखें कि जो इसका रेवेन्यू है उसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 46.4 परसेंट तो ये वापस से मटेरियल कॉस्ट में यूज़ कर लेते हैं 18.5 परसेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट में 11.6 परसेंट एम्प्लॉय कॉस्ट में 0.2% interest in foreign exchange, 2% depreciation, 5.8% current DAX, deferred tax. Now, डिडेंड इज थर्टीन पॉइंट वन परसेंट विच इज अ गुड परसेंटेज जो इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से थर्टीन पॉइंट वन परसेंट ये डिविडेंट पे कर रहे हैं खर्च इसका मतलब कि अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं कुछ कंपनीज होती है जो अगर ग्रो करती है जो प्रॉफिट कमाती भी है तो अपने शेयर होल्डर्स को उतना प्रपोर्शनेटली बेनिफिट नहीं पहुंचाती बट पिडीलाइट इंडस्ट्रीज इज डूइंगट नाउलेट्स है लुक एट समी इम्पॉर्टेंट रेशोज जो स्क्रीन पर चार्ट है उसमें आप डेट इक्विटी रेशियो देखिए इसका डेट सिर्फ 15, 16 में था और उसके बाद द डेट इज अपना डेट खत्म कर दिया है और अपनी नेटवर्थ इसलिए ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं अगर प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन देखिए तो देखिए 52.6 परसेंट इसका जो रेवेन्यू है वो एडहेसिव्स एंड सीलेंस की वजह से आ रहा है देन कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल्स और फिर उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्रियल एडहेसिव पिगमेंट प्रिपरेशन अदर्स एक बार हम आप टेन ईयर परफॉर्मेंस इस कंपनी की देखते हैं फाइनेंशियल के टर्म्स में तो इसमें देखिए आप जो बोरोइंग्स है सबसे नीचे आपको दिखेगी वो टेन एलेवन में टू एटी सेवन करोर थी वेयर इन ये कम करते करते फिफ्टीन सिक्सटीन में इट वॉज वन करोर एंड सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन एटीन एटीन नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी इट्स नेल तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि टू एटी सेवन करोर से ये कंपनी का फोकस अपना डेट ख़त्म करने पे रहा एंड विद इन फाइव ईयर्स द फिनिश्ड ऑफ दैट डेट एंड अब ये ज़ीरो डेट कंपनी है इसके अलावा अगर आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट हैज ऑल्सो इंक्रीज और बहुत ज्यादा टाइम्स पहले 2010-11 में इट वॉज जस्ट थ्री हंड्रेड एंड फोर क्रोर वेयर इन नाइनटीन ट्वेंटी में इट्स इलेवन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव क्रोर तो आप देख रहे हैं कितने टाइम्स इसका प्रॉफिट बढ़ गया है टेन ईयर्स में सो कंपनी इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस अब हम देखते हैं कि क्या इसी फास्ट पेस पे ये डिविडेंड भी दे रही है अपने शेयर होल्डर को भी बेनिफिट दे रही है तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे डिविडेंड पर शेयर भी इनका बड़ा है हर साल पिछले पाँच साल के डेटा में सो दिस वॉज अबाउट द कंपनी प्रोफाइल एंड कंपनी फाइनेंशियल्स अब हम देखते हैं कि करंटली क्या इसके मार्केट वैल्यूएशंस है और क्या हमारी स्ट्रेटेजी इस शेयर के लिए रहनी चाहिए तो देखिए करंट मार्केट प्राइस इस कंपनी का है 1411.30। थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड पॉइंट थ्री जीरो दिस इज एज ऑन ट्यूजडे फिफ्टी टू वीक लो वॉज 1185.55 हंड्रेड एटी फाइव पॉइंट फाइव फाइव एंड फिफ्टी टू वीक हाई वॉज सेवनटीन हंड्रेड नाइन पॉइंट नाइन जीरो पी इसका एटी थ्री पॉइंट थ्री फोर इंडस्ट्री पी इसका है फोर्टी सेवन पॉइंट सिक्स सिक्स पी बी इसका है सिक्सटीन पॉइंट जीरो सिक्स बुक वैल्यू इसकी है एटी सेवन पॉइंट एट सेवन मार्केट कैप की अगर हम बात करें दिस इज़ सेवेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेल्व करोर क्या इसके बारे में सब कुछ सिर्फ पॉजिटिव ही है क्या इस कंपनी में सब कुछ सिर्फ अच्छा है तो लॉकडाउन के टाइम पे कंपनी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए कई ऑनलाइन ट्रेनिंग करी कई प्लम्बर्स की हेल्प करी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये लोग मूव करें इनफैक्ट इनकी अगर आप एनुअल बुक रिपोर्ट उठाएंगे तो उसमें दे हैव क्लियरली मैंशन वी मूव टूवर्ड्स अ मॉडल ऑफ वर्किंग दैट ट्रूली हैजेड टू द सोशल इकोनॉमिक and technological influences of the current need of our times this new ways of working have made us adapt positively in how we innovate and communicate we are embracing digital transformation but जैसा कि हम सब समझते हैं कि ये जो कंपनी है ये जो इंडस्ट्री है इसमें digitally आपको पेंट करवाना है आपका एडहेसिव लगाना है तो eventually जो लॉकडाउन है ये सारी चीजें तो अफेक्ट डेफिनेटली करेगी कंस्ट्रक्शन बंद था तो ऑबवियसली इनका जो अभी रिजल्ट आया है Q1 का यानी कि अप्रैल 20 से जून 20 का वो बहुत बेकार आया है जो इनका प्रॉफिट है वो बहुत गिर गया है अगर आप बात करें इनके रिजल्ट्स की तो जो इनकी सेल्स है वो 1,544 करोड़ से कम होके 877 करोड़ हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 156 फिफ्टी से वो कम होके 15 करोड़ रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डेफिनेटली और इतने खराब रिजल्ट आने के बाद भी क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो इसका आंसर है हाँ आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए मैंने अपने जो मेंबर्स हैं और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस वाले हैं उन दोनों ही को यह शेयर दिलाया है बट इसके खराब रिजल्ट के बाद भी बढ़ता जा रहा है सिंस रिजल्ट ख़राब है अभी इकोनॉमी अनसर्टन है पेंडामिक अभी भी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा पेस पे बढ़ रहा है हो सकता है फिर से लॉकडाउन लगे तो इस शेयर में टाइम बिंग कंसोलिडेशन आ सकते हैं बट फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए बट आप बल्क बाइंग इस शेयर में अवॉइड कीजिए इसको आप थोड़ा थोड़ा करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए जब भी आपको लगे कि करेक्शन है कंपनी में तब तो आप इसे बाय कर सकते हैं या फिर मैंने एक एस मोड पे वीडियो बनाया था ऊपर आई बटन में आ रहा है तो उस तरीके से भी आप पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं बट डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड बाय एंड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर फ्योर पोर्टफोलियो क्योंकि इसका फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हाई है सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच